दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे कम्युनिटी के बारे में जिसे LGBT कहते हैं। समाज में अभी भी प्यार, शादी और शारीरिक संबंधों को स्त्री और पुरुष के बीच में जायज माना जाता है। पुरुष का पुरुष से और स्त्री का स्त्री से प्यार, शादी और सेक्स बहुत से देशों ने स्वीकार नहीं किया है और बहुत से देशों में ऐसे संबंधों को टैबू माना जाता है। बहुत से समाज में तो समलैंगिक होना एक क्राइम समझा जाता है। भारत में भी पहले समलैंगिक रिश्ते को गैरकानूनी माना जाता था, पर अब यहाँ सेम सेक्स रिलेशनशिप को गैरकानूनी नहीं माना जाता है। ऐसे 26 ऐसे देश हैं जहाँ समलैंगिक शादी को मान्यता मिल चुकी है। LGBTQ होना कोई गुनाह नहीं है, यह एक कुदरत में होने वाले बदलावों का नतीजा है। देखा जाए तो मानव जाति भी कुदरत का ही हिस्सा है और कुदरत में होने वाले बदलावों का प्रभाव मानव जाति पर भी पड़ता है और समाज को नेचर के हर क्रिएशन को स्वीकार करना चाहिए। अब जानते हैं LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें क्या अंतर है। LGBTQ का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स और क्यूअर। चलो अब इनको समझते हैं और जानते हैं इनमें अंतर। लेस्बियन, जब एक महिला प्यार और सेक्स की चाह में किसी पुरुष की ओर नहीं बल्कि किसी महिला की ओर आकर्षित होती है तो उस महिला को लेस्बियन कहा जाता है। पहले लेस्बियन भी दो अलग अलग तरह के थे जिन्हें बुच या फेमे कहा जाता था। मान लो एक लेस्बियन कपल है, इसमें बुच का पहनाव रहन सहन पुरुष की तरह होगा और फेमे का पहनाव रहन सहन महिला की तरह होगा, लेकिन अब यह जरूरी नहीं है। आजकल लेस्बियन कपल किसी भी अंदाज में रहते हुए दिख जाते हैं। जब एक पुरुष किसी महिला की ओर आकर्षित न होकर किसी पुरुष की ओर आकर्षित होता है तो उनको गे कहा जाता है। बाइसेक्सुअल, ये लोग दोनों लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जैसे एक पुरुष की दिलचस्पी महिलाओं के साथ साथ पुरुष के साथ संबंध बनाने में भी हो सकती है, यही स्त्री के साथ भी है। ऐसे संबंध बनाने वालों को ही बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर, ये वो लोग होते हैं जिनका व्यवहार उनके जन्म के समय के लिंग के विपरीत होता है। मान लीजिए कोई जन्म के समय पुरुष था लेकिन उनका व्यवहार महिलाओं वाला है, या जन्म के समय लड़की थी लेकिन व्यवहार लड़कों वाला है, तो उनको ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि ये लोग गलत बॉडी के साथ जन्म ले लिया है। मान लो बॉडी पुरुष की है पर फीलिंग स्त्री की। वैसे गे, लेस्बियन, ट्रांसेक्सुअल, क्रॉस ड्रेसेस को भी ट्रांसजेंडर या हेट्रोसेक्सुअल कहा जा सकता है। इंटरसेक्स, जन्म के समय अगर किसी का लिंग स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे लोगों को इंटरसेक्स कहा जाता है। ऐसे लोगों का लिंग डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। क्वियर, ये लोग अपने अट्रैक्शन को डिसाइड नहीं कर पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनका आकर्षण पुरुष की ओर है या फिर स्त्री की ओर, उनके अंदर स्त्री वाले गुण है या फिर पुरुष वाले। ऐसे लोगों के लिए ही क्वियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि LGBTQ क्या होता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।